हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फूड फिटनेस एंड फन एंड दिस इज डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दूध यानी मिल्क। व्हेन एंड हाउ टू ड्रिंक मिल्क ताकि उसके सारे बेनिफिट्स आपको मिले, और जिस भी चीज़ के लिए आप उसको वेट लॉस के लिए ले रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के लिए ले रहे हैं, लीन मसल मास के लिए ले रहे हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा आपको मिले। सो बेसिकली दूध बचपन से सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे माँ फोर्स करती हैं बच्चे को खा ले पी ले, वो कम दूध पी ले, एटलीस्ट दूध का ग्लास तो फिनिश कर दे। सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत सेटिस्फाइड फील कराता है एक माँ को, जब उसका बच्चा दूध का ग्लास फिनिश कर देता है। एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है दूध। वेजिटेरियंस के लिए एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अपने आप में दूध एक कंप्लीट मील है, यानी उसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं। सो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करें तो काउ मिल्क फुल टोन और फैट फ्री, ये तीनों अवेलेबल हैं। और बफेलो में टोन की बात करें, क्योंकि इन दी एंड में टोन मिल्क ही आपको प्रेफर करने वाली हूँ। आप देखेंगे जहाँ फैट ज़्यादा है दूध में, वहाँ पर प्रोटीन भी ज़्यादा है, उसमें कैल्शियम भी ज़्यादा है फैट के साथ। जैसे जैसे उसका जो फैट है वो कम होता जा रहा है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बाकी भी कम होती जा रही है। तो ऐसे में आप देखेंगे बफेलो के मिल्क में फैट ज़्यादा है लेकिन कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही ज़्यादा है प्रोटीन, साथ ही B12 विटामिन और विटामिन डी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मिल्क मार्केट में आजकल आते हैं वो फोर्टिफाइड होते हैं, तो विटामिन डी भी आपको उससे मिलता है। तो दूध के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। ऐसे में काऊ या बफेलो मिल्क, मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं क्या बेटर है। काऊ मिल्क फैट में लो होता है लेकिन साथ ही प्रोटीन कैल्शियम में लो होता है और हाई होता है सोडियम में। यस, इट इज़ लाइट टू डाइजेस्ट। वहीं अगर बफेलो मिल्क की बात की जाए, फैट ज़्यादा होता है लेकिन प्रोटीन कैल्शियम फॉस्फोरस भी ज़्यादा होता है, यानी आपकी बोन्स के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए आपको बफेलो का मिल्क ज़्यादा सूट करेगा। जो लोग अपना वेट गेन करना चाहते हैं वो भैंस का दूध पी सकते हैं। वहीं ब्रेन के लिए जो दूध अच्छा है वो है काऊ का मिल्क, और उसका डाइजेशन क्योंकि ईजी होता है तो बच्चों को दे सकते हैं। साथ ही जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं वो भी काऊ का मिल्क ही प्रेफर करें। दूध के बारे में कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूँगी। जो कार्ब्स होते हैं दूध के अंदर वो सिंपली शुगर की वजह से होते हैं, लैक्टोस 5% होता है ये मिल्क के अंदर। प्रोटीन दो चीज़ों में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन जो होता है वो होता है कैसीन, 80% होता है ये, और सॉल्युबल प्रोटीन जो होता है वो होता है वे प्रोटीन, 20%। साथ ही जो फैट होता है वो मिल्क में, होल मिल्क जो होता है काऊ का, जो सीधा काऊ से आया है, 4% होता है। उसमें अगर आप टोन लेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। और आजकल जो मार्केटिंग हो रही है दूध की वो फैट के नाम पर ही होती है, 4% टोटल होता है, और जो लिखा होता है लो फैट ओनली 1% मिल्क, लोग सोचते हैं कि सिर्फ 1% फैट ओनली, तो बड़े चाप से लेते हैं, पर बेसिकली होता ही 4% है। उसमें से अगर 1% कर दिया है तो अच्छी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, बट आई गेस यू शुड गो फॉर टोन मिल्क। फिर बात आती है रॉ से किस तरह प्रोसेस किया जाता है। दो तरीका होता है, पैस्चराइज किया जाता है, दैट इज को गर्म किया जाता है ताकि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन दूसरा प्रोसेस होता है होमोजेनाइजेशन। होमोजेनाइजेशन जो होता है रॉ मिल्क का, उससे करते क्या है, मिल्क को आपने देखा होगा रॉ मिल्क में ऊपर फैट तैरता है, बेसिकली ऊपर दूध के मलाई मलाई से दिखने लग जाती है। उसे हटाने के लिए दूध को बहुत गर्म किया जाता है और उसे पंप किया जाता है छोटी छोटी पाइप के जरिए बहुत हाई प्रेशर से। इससे क्या होता है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, उसका टेस्ट रिच हो जाता है, उसका कलर ज़्यादा वाइट हो जाता है, लेकिन साथ ही कुछ फैट और प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। साथ ही जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है उन्हें इससे प्रॉब्लम हो सकती है। सो और FDA जो है हमारे इंडिया में, उसमें कोई ऐसे रेगुलेशंस नहीं है कि आपको पैकेट पे लिखना है ये होमोजेनाइज है कि नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे दूध जो आते हैं आजकल नॉर्मली जो हमारे घरों में आते हैं वो होमोजेनाइज्ड ही होते हैं। अपने आप में एक कंप्लीट मील है दूध, लेकिन हम जिस तरह से कंज्यूम करते हैं उस पर डिपेंड करता है इसके कितने बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, कि मॉर्निंग में लें कि इवनिंग में लें। मॉर्निंग में जो है दूध अगर आप लेते हैं, आयुर्वेदा में बोला जाता है कि इट लीड्स टू ब्लोटिंग, आपको इससे इनडाइजेशन हो सकता है।
सो बॉडी बिल्डिंग जो लोग करना चाहते हैं, जिन लोगों का अपने बॉडी का मास बढ़ाना है, वो मॉर्निंग में कंज्यूम कर सकते हैं मिल्क. अदरवाइज बेस्ट टाइम टू ड्रिंक मिल्क इज इन द इवनिंग, क्योंकि इवनिंग के टाइम में आपकी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो उसके डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं. सो आयुर्वेदा में बोला गया है कि इवनिंग या लेट नाइट आप इसको कंज्यूम करें. लेट नाइट इसलिए क्योंकि अच्छा स्लीप इंड्यूसर होता है. दूध के अंदर ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो स्लीप इंड्यूसर होते हैं. इसके अंदर मैग्नीशियम होता है और कैल्शियम जो होता है वो भी. जब आप रात के टाइम दूध लेते हैं एंड देन यू रेस्ट आफ्टर दैट, तो आपकी बोन्स उसे अच्छी तरह अब्सॉर्ब कर पाती हैं, अच्छी तरह लगता है वो कैल्शियम आपकी बोन्स को. लेकिन हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, दिस इज ओनली फॉर अडल्ट. बच्चों को आप दूध मॉर्निंग में दे सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, उनका एक्टिविटी लेवल थ्रू आउट द डे हाई रहता है. सो उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत कम है. और अगर उनको इनटॉलरेंस है लैक्टोज से, तो आप उनको अच्छी तरह दूध उबाल के उसके अंदर आप थोड़ा सा नटमेग डाल सकते हैं, जायफल, या आप जिंजर पाउडर डाल सकते हैं, और उसे मिल्क को गाढ़ा करके थोड़ी क्वांटिटी में उन्हें दें और धीरे धीरे बढ़ाएं, तो बच्चों को भी इनटॉलरेंस कम हो जाएगी. अगर मिल्क को रात में लिया जाता है, इट प्रमोट्स ओजास, दे समथिंग विच इज कॉल्ड ओजास इन आयुर्वेद. साथ ही जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कफ होता है उन्हें भी एज इट इज़ मिल्क लेना नहीं चाहिए. जिनकी बॉडी में कफा ज़्यादा होता है, कफ ज़्यादा होता है, जिन्हें हमेशा कोल्ड कफ रहता है, म्यूकस रहता है, वो अगर टर्मरिक, सिनेमिन और टर्मरिक जब भी आप लें, हल्दी के दूध में अगर आप थोड़ा सा काली मिर्च डाल देंगे तो उसका अब्जॉर्प्शन 2000 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, हल्दी का अब्जॉर्प्शन जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो हल्दी के दूध में आप हमेशा थोड़ा सा काली मिर्च डालें, सिनेमिन डाल सकते हैं, नटमेग डाल सकते हैं, आप उसके अंदर जिंजर पाउडर डाल सकते हैं, जिंजर कस के भी आप डाल सकते हैं. तो इस रिसर्च के लिए जब मैंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में और डीप में पढ़ना शुरू किया दूध को लेकर कि कैसे पीना चाहिए, कहाँ पीना चाहिए, तो साइंटिफिक और आयुर्वेद क्या कहता है, यानी हमारे वेदास में इसके बारे में क्या लिखा है, उसका एक मैं आपके पास कंप्लीट चीज़ें लेकर आई हूँ. यानी मैंने कोशिश किया है दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का. सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो दोनों साइंस भी मना करता है और आयुर्वेद भी कहता है कि दूध को इस तरह कंज्यूम ना करें. डू नॉट कंज्यूम मिल्क इन वेरी कोल्ड फॉर्म. दूध को कभी भी बिल्कुल ठंडा नहीं लेना चाहिए. सो दूध को जब आप गर्म करते हैं तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर चेंज होता है और वो इस तरह चेंज होता है कि वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. सो मिल्क को हमेशा थोड़ा गर्म करके या रूम टेम्परेचर पे ले और एक बार तो उसे उबालें, दैट इज़ गुड. कभी भी दूध को किसी सॉल्टी चीज़ के साथ ना लें. कई लोग हम क्या करते हैं, हम ब्रेकफास्ट के साथ पराठा खा रहे हैं, हम ब्रेकफास्ट में पोहा खा रहे हैं, या कुछ भी खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में सॉल्टी चीज़, उसके साथ एक ग्लास दूध का लेते हैं. सो उससे होता क्या है, बेसिकली सॉल्ट और मिल्क का कॉम्बिनेशन आयुर्वेदा में स्लो पॉइजन बताया गया है. और वहीं अगर मैं साइंस की बात करूँ, इसे नहीं पीना चाहिए. जो सोडियम होता है सॉल्ट के अंदर, बेसिकली जब आप इसे कंज्यूम करते हैं, एक तो कैल्शियम जो इसका होता है दूध का, वो आपकी बॉडी में ठीक तरह से अब्जॉर्ब नहीं होता है. दूसरा, सोडियम जो होता है वो मिल्क को आपकी बॉडी के अंदर कर्डल नहीं होने देता. यानी आपने देखा होगा जब छोटा बच्चा होता है, अगर वो दूध कंज्यूम करता है, दूध पीता है, अगर वो उसे वोमिट करे और वो फटा हुआ निकले दही के फॉर्म में, तो कहते हैं ठीक है, इट्स नॉर्मल. लेकिन अगर वो एज इट इज़ दूध को वोमिट कर दे तो डॉक्टर्स इसे काफ़ी हार्मफुल मानते हैं. सो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट. ऐसा ही चीज़ को इंटरफेयर करता है अगर आप सॉल्ट के साथ लेते हैं. अगर आप दूध को सॉल्ट के साथ लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर कर्डल नहीं होता, फटता नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है. दूध का ब्रेकआउट होना आपकी बॉडी के अंदर ज़रूरी है. लेकिन अगर आप दूध को लेंगे सॉल्ट के साथ तो ऐसा नहीं होगा. That is very harmful for your body. तो साइंस ने इसीलिए माना है, आयुर्वेद ने उसे सो पॉइजन कहा है. बेसिकली इसके पीछे का कारण यही है. एक मिल्क जो होता है उसका प्रोटीन जो होता है, इट्स ए कम्प्लीट प्रोटीन, यानी सारे के सारे अमीनो एसिड होते हैं. उसे किसी और प्रोटीन के साथ कंबाइन करके लेना भी मना किया जाता है, चाहे वो फिश हो, चाहे वो चिकन हो, या फिर आप इसको अगर इवन अंडे के साथ भी इसीलिए मना किया जाता है. उसके साथ आपको गैप रखना होता है 30 to 45 to, कई लोग तो बोलते हैं, आयुर्वेद में बोला है कि 2 घंटे का आप गैप देके ही दूसरा प्रोटीन सोर्स खाएं. सो इफ़ यू हैविंग मिल्क तो आप उसको दूसरा कोई कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स उसके साथ आपको नहीं लेना चाहिए. दूध को कभी भी सिट्रस फ्रूट्स के साथ मिक्स करके नहीं लेना चाहिए. जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि ऑरेंज है, बेरीज हैं, चेरीज हैं, या इवन गवावा इज़ वेरी हाई इन विटामिन सी, एप्पल है, दो फ्रूट्स जिसे मैं कंबाइन करके लेती थी, बनाना
अगर राइप्ड बनाना हो, राइप्ड एप्पल हो, तो आप ले सकते हैं. बट अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको ब्लोटिंग हो रही है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो डू नॉट गो फॉर दैट कॉम्बिनेशन. अगर आपको एसिडिटी फील हो रही है, ब्लोटिंग फील हो रही है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट सूटिंग यू. अगर आप लेना भी चाहते हैं, तो वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू एडवाइस इज, आप उस मिक्सचर के अंदर, आप अपनी स्मूदी के अंदर सिनेमन, कार्डमम या नटमेग यानी जायफल ऐड कर सकते हैं. तब उसका डाइजेशन जो होगा वो थोड़ा सा प्रॉपर हो जाएगा. इट विल नॉट लीड टू इनडाइजेशन. कभी भी दूध को किसी मील के साथ कंबाइन करके ना लें. जैसे आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, आप अगर सेवियाँ ले रहे हैं, पोहा ले रहे हैं, उपमा ले रहे हैं, तो उसके साथ मिल्क को ना लें. बिकॉज मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट मील होता है, उससे सेपरेटली कंज्यूम करना ही बेटर है. सो वंस यू आर डन विद योर मील, तो आप 2-3 घंटे के बाद ले सकते हैं. मिल्क के अंदर शुगर को भी कंबाइन नहीं करना चाहिए. मिल्क एंड शुगर का कॉम्बिनेशन लीड्स टू फैट, लीड्स टू वेट गेन वो आपकी बॉडी के अंदर. बिकॉज जब आप दूध लेते हैं, उसका डाइजेशन प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन जब आप उसमें चीनी मिलाकर लेते हैं, तो चीनी बहुत जल्दी आपकी बॉडी में घुल जाती है. और क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को उस टाइम मिलता है, तो उसे पता नहीं लगता कहाँ स्टोर करे, तो वो जाकर आपके लिवर में एज फैट स्टोर हो जाता है. सो कॉम्बिनेशन ऑफ फैट एंड शुगर इज़ नॉट गुड. एंड क्योंकि दूध के अंदर फैट होता है, उसका डाइजेशन स्लो होता है, तो अगर आप शुगर के साथ मिक्स करेंगे, दैट इज़ रिफाइंड शुगर, तो वो आपको नुकसान करेगा. फैट उससे होगा, आपकी बॉडी के अंदर वेट बढ़ेगा. अगर आपको मीठा दूध पसंद है, तो थोड़ी सी जागरी आप उसके साथ ले सकते हैं, जागरी शुगर ले सकते हैं, या आप उसके साथ हनी भी ले सकते हैं. अगर आप दूध को सही तरह से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ना सिर्फ आपके इसके बेनिफिट्स को मिस करेंगे, बल्कि साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. इनडाइजेशन, आपको ब्लोटिंग हो सकता है, आपकी किडनीज पर इफेक्ट पड़ सकता है, आपको एलर्जीज हो सकता है. खुद जो मिल्क होता है, उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं. उसके अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसके अंदर एंजाइम्स होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है. जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस है, उन्हें दूध लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है जो मेरे पास आता है. सो बेसिकली हार्मोन्स की अगर बात करें, तो काउ मिल्क में 50 डिफरेंट हार्मोन्स नेचुरली होते हैं. एस्ट्रोजन, जैसे कि प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये नेचुरली होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते ह्यूमन बॉडी पे. सिर्फ एक इंसुलिन लाइक हार्मोन जो होता है, दैट इज़ IGF ग्रोथ फैक्टर 1, ये ह्यूमन पे इफेक्ट कर सकता है. ये ग्रोथ और रीजनरेशन में काम आता है. सिर्फ एक रीज़न एक्ने और पिंपल, कुछ लोगों को ये इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उन्हें पिंपल या एक्ने हो सकते हैं. तो यही एक हार्मोन है जो इफेक्ट कर सकता है. Always those people who are suffering from hormonal imbalance, they should go for organic milk. Basically, आजकल इन क्वान्टिटी में देखा जाए तो नंबर ऑफ कंजप्शन जो है, यानी डिमांड दूध की बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी सप्लाई बहुत कम है. काओ जो हैं वो कम होती जा रही हैं. तो ऐसे में होता क्या है, उन्हें आर्टिफिशियली हार्मोन इंड्यूस किए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, उनकी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए. सो बेसिकली दोज हार्मोन्स एक्चुअली गोज़ इन टू देयर मिल्क, और फिर वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं. तो जिन्हें हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उन्हें और प्रॉब्लम बढ़ सकती है उनकी. बेसिकली जो का होती है, कैटल्स को स्टेराइड्स हार्मोन्स इंजेक्शन दिए जाते हैं उनके मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, उन्हें बूस्ट करने के लिए. दे इंजेक्ट बेसिकली हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स, जो ह्यूमन अगर उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं. यही रीज़न है कि आजकल प्यूबर्टी गर्ल्स में बहुत जल्दी आ रही है. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, मेल हार्मोन्स जो हैं, उन पे ये इम्बैलेंस कर रहा है. जो मेल ब्रेस्ट हो रही है, सो इन अनदर वर्ड मेल हार्मोन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है. साथ ही बहुत ज़्यादा मिलावट का दूध आने लग गया है आजकल. कहते हैं डिटर्जेंट है इसके अंदर, यूरिया है या पाउडर मिला हुआ है. एंड इसके अलावा उन्हें कई बार जो खाना खिलाया जाता है, वो GMO वाला होता है, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होता है, वो ग्रेन्स खिलाए जाते हैं. ऐसे में वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक रीज़न बन सकता है ह्यूमन बींग्स के अंदर. और ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पहले से ये जो पूरा टॉपिक है वो डिस्कस किया जा रहा है. बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में ये पब्लिश हो चुका है कि किस तरह जो कैटल्स को इंजेक्शन दिए जाते हैं, उससे हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है. यहाँ तक कि ये इनफर्टिलिटी का रीज़न भी बन सकता है इन फीमेल्स. बेसिकली जो हमारा FDA है,
उसमें कोई ऐसा रेगुलेशन नहीं है कि आपको ये मेंशन करना है. सो इसीलिए हार्मोन्स की प्रॉब्लम जिसे होती है उनके लिए मिल्क को मना किया जाता है, बिकॉज यू डोंट नो द काइंड ऑफ मिल्क दैट यू आर. जिन लोगों को डायरिया है, वॉर्म्स हैं, एलर्जीज है, हार्मोनल बैलेंस वाले देख सकते हैं, देखें. ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दूध के बारे में. आई होप आपको इस वीडियो से दूध को लेकर सारी जानकारी मिल गई होंगी, क्या फैक्ट्स हैं, क्या मिथ्स हैं उनके बारे में क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स पर अपना क्वेश्चन लिखें. आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से जल्दी उनका आंसर करूँ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड येस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल. साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाए. स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड आई विल बी बैक वेरी सून. बाय बाय.